दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को शिक्षा के अधिकार को लेकर एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण अधिकार है। फीस का भुगतान न कर पाने के कारण किसी छात्र को क्लास में बैठने या मिड सेशन के एग्जाम देने से रोकना गलत है। कोर्ट ने ये टिप्पणी दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल के 10वीं क्लास के एक छात्र की याचिका के संदर्भ में की। दरअसल छात्र का नाम फीस न देने के कारण स्कूल से हटा दिया गया था। छात्र ने कोर्ट में याचिका डालकर आगामी CBSE बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने की मांग की। फीस के मसले को लेकर दिल्ली NCR समेत पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की खबर आपने कई बार पढ़ी होगी। फीस नहीं भर पाने के चलते पहले भी कई बार कुछ प्राइवेट स्कूल्स बच्चों को परीक्षा देने से रोक चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब देश में आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो बच्चों को स्कूल मैनेजमेंट स्कूल में आने से और परीक्षा में शामिल होने से कैसे रोक सकता है? आज हम आपको संविधान के अनुच्छेद 21A के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो आपके लिए काफी काम की बात है। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2022 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। ये संविधान संशोधन प्रावधान करता है कि राज्य स्कूल कानून बनाकर 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का बंदोबस्त करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत देश में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वहीं 6 से 14 साल के अशिक्षित और जो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चों को चिन्हित करने का कार्य स्थायी विद्यालय की प्रबंध समिति और स्थानीय निकायों की ओर से किया जाएगा। स्थानीय निकाय ही बच्चों के परिवारों का सर्वेक्षण करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों की सूची बनाने में मदद मिलेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है। बच्चों को आर्थिक और सामाजिक आधार पर पढ़ाई से रोका नहीं जा सकता। आर्थिक रूप से वंचित माँ बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, तो वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, जिसका खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा। यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा की 25% सीटों के लिए नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की दावेदारी होगी। स्कूल मैनेजमेंट को मुफ्त शिक्षा देनी होगी। शिक्षा के अधिकार के तहत कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। NBT ऑनलाइन के लिए अशोक उपाध्याय की रिपोर्ट।